बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग। मैंने आपको बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन एक्शन मूवीज को मुंह की खानी पड़ेगी, और वही हुआ। इस बार जो असर पड़ा है वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे पड़ा है। मैंने आपको पहले बोला था कि एक्शन मूवीज का जो है ओवरडोज हो चुका है, और कोई ना कोई फिल्म जो है इसको झेलेगी, उस पर सारा असर आ जाएगा। क्योंकि लोग पक जाएंगे कि भाई एक्शन मूवीज देख देख के दिमाग खराब हो गया, अब नहीं देख सकते, एक ही कॉन्सेप्ट। वही हुआ, पहले फाइटर पे ही असर हुआ था, बट फाइटर ने हल्के हल्के करके 200 210 करोड़ कमा लिए थे। बट मैंने आपको ये भी बोला था कि फाइटर के बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे इसका असर पड़ सकता है, और वही हुआ। बड़े मियाँ छोटे मियाँ पे इसका इतना असर पड़ा है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इतना बुरा कलेक्शन अगर आएगा फिल्म का तो अक्षय कुमार का करियर खत्म भी हो सकता है। भाई अक्षय कुमार की पिछली इतनी फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, और अक्षय कुमार लगातार फिल्में लाते जा रहे हैं। अक्षय कुमार ने सोचा कि भाई बीच में थोड़ा गैप लेता हूँ 6-7 महीने का, और अक्षय कुमार ने लिया भी, बट वो भी काम नहीं आया। फिल्म एक्शन है, टाइगर श्रॉफ है, अक्षय कुमार है, अली अब्बास जब्बार है, ईद का माहौल है, भाई इतना टाइम, इतने टाइम बाद अक्षय कुमार आ रहे हैं, कोई भी असर नहीं पड़ा इस फिल्म का। इस टाइम पे जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ, एडवांस बुकिंग सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख की हुई है। आप सोच सकते इतनी बड़ी एक्शन मूवी, इतने अच्छे स्टार कास्ट, इतने अच्छे डायरेक्टर अक्षय कुमार इतने दिनों बाद आ रहे हैं, और ईद के टाइम पे ये फिल्म 1 करोड़ 40 लाख के एडवांस लेती है। मतलब कि इस फिल्म के अभी तक 51,000 टिकट बिके हैं, 51,000 टिकट इस फिल्म के बिके हैं नेशनल चैंस में, और इसको 6-7 हज़ार शोज मिले हैं। अभी कंफर्म नहीं है कि कितने शोज मिलेंगे, और इसकी ओपनिंग अगर मानी जाए, स्पॉट बुकिंग पे डिपेंड किया जाए, तो 10 करोड़ के ऊपर जाती है, 12 करोड़ 15 करोड़ भी हो सकती है। इतनी बड़ी फिल्म के लिए ओपनिंग 50 करोड़ से कम नहीं मानी जाती। 50 करोड़ तो ये फिल्म डिजर्व करती थी, जिस तरीके से माहौल बना था एक्शन मूवीज एक्शन मूवीज। इस बार मुंह की खानी पड़ी है भाई, अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की ये फिल्म किस तरीके से चली, कैसे 200-300 करोड़ का बजट अपना कवर करेगी पता नहीं भाई। क्योंकि 15 करोड़ अगर ये कमाती है कल ईद के दिन पे, तो भाई ये फिल्म 100 करोड़ से नीचे भी ढेर हो सकती है। किस्मत है कि भाई 100 करोड़ के ऊपर चली जाए, बट इसका जो लाइफ टाइम अभी देखने को लग रहा है 100-150 करोड़ से ऊपर नहीं है, और अक्षय कुमार को इसका बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। क्योंकि अक्षय कुमार की बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों ने हेट करने लग गए, लोग उनसे पक गए एक तरीके से, बट अक्षय कुमार को कुछ नया करना पड़ेगा कि भाई उनकी फिल्म जाके लोग देखें। दूसरी तरफ मैदान है, मैंने बोला था क्लास मूवी है, क्लास मूवीज की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं होते। इस फिल्म की जो एडवांस बुकिंग हुई है वो और भी बुरी हुई है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई है 50 लाख के टिकट बिके हैं 21,000 नेशनल चैंस में डे वन के लिए। तो भाई इस फिल्म को तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये फिल्म जो है भाई पहले दिन नहीं चलेगी, वर्ड ऑफ माउथ पे चलेगी, और इसका वर्ड ऑफ माउथ जो आ रहा है इतना जबरदस्त आ रहा है भाई, 4 स्टार 5 स्टार इस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है। अजय देवगन की एक्टिंग बोली जा रही है कि सबसे बेहतरीन एक्टिंग है आज तक की जितनी भी अजय देवगन ने करी है, और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है कि अजय देवगन ने जो इसमें करी है, और बहुत अच्छे तरीके की फिल्म बनाई है। तरह आदर्श ले लो या कोमल नाटा ले लो, सबने बहुत अच्छे रिव्यूज दिए, पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आई। ये दोनों फिल्में पहले 10 तारीख को रिलीज होने वाली थी, बट ये फिल्में अब शिफ्ट हो गई है, 11 तारीख को दोनों फिल्में आ रही है, मैदान और बड़े मियां छोटे मियां। अब देखते हैं कि इन पे कैसा असर आता है भाई। मुझे लगता है कि 15 करोड़ की ओपनिंग जो है बड़े मियां छोटे मियां लेगी, और 8 करोड़ की ओपनिंग जो है मैदान लेगी। जो बड़े मियां छोटे मियां उसके रिव्यूज अच्छा है तो अलग बात है, बट मैदान उसे हल्के हल्के क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि मैदान के रिव्यूज बहुत अच्छा रहे। पब्लिक पे डिपेंड करेगा कि पब्लिक किसे पसंद करती है, पब्लिक बड़े मियां छोटे मियां की तरफ जाती है या मैदान की तरफ जाती है, ये देखने वाली बात होगी। और अजय देवगन की अगर बात करें तो अजय देवगन को कोई नुकसान नहीं है। मैंने आपको क्या कहा था कि ये अजय देवगन का साल है, अजय देवगन का ईयर होने वाला है, अजय देवगन की शैतान जो है ब्लॉकबस्टर हो गई है, 200 करोड़ के ऊपर कमा गई है वर्ल्ड वाइड में, और उनकी फिल्म अभी भी थिएटर में लगी है, शैतान अभी भी चल रही है, और मैदान भी लगने वाली है। अक्षय कुमार ने बहुत बड़ा गैप लिया है, तो अजय देवगन की और भी फिल्म आने वाली है, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये फिल्म चलेंगी चलेंगी, और मुझे लगता है मैदान भी चलने वाली है, शैतान चल चुकी है। तो ये साल जो है अजय देवगन का साल है, और अजय देवगन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं, अक्षय कुमार बहुत पीछे होते जा रहे हैं, अक्षय कुमार को बहुत नुकसान हो रहा है, अक्षय कुमार को कुछ और करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। वो सोशल मूवीज कर रहे हैं लोगों ने पसंद कर रहे हैं, कभी पसंद नहीं कर रहे हैं, वो एक्शन मूवीज कर रहे हैं लोगों ने पसंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कॉमेडी मूवीज कर रहे हैं उनके साथ भी वही हो रहा था। अक्षय कुमार का जो करियर है वो डोल रहा है। अक्षय कुमार जो एक टाइम पे सोच रहे थे 2010-11 के टाइम पे उनकी फिल्में नहीं चल रही है, और वो कनाडा चले जाते हैं, और उन्होंने पासपोर्ट भी बनवा लिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा हेट का शिकार होना पड़ा था, और अक्षय कुमार के साथ फिर से वही टाइम आ गया है। बट अक्षय कुमार ने इस बार ने इंडियन सिटीजनशिप जो है वो वापस ले लिया, तो देखते हैं कि अक्षय कुमार क्या करते हैं क्या नहीं करते। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैदान वर्सेस बड़े मियां में क्या होने वाला है, बहुत ही कांटे की टक्कर होने वाली है। बड़े मियां छोटे मियां के रिव्यूज क्या आएंगे ये देखने वाली बात होगी। बाकी ये मूवी जो है मैं कल और परसों देखूंगा, कल मैं बड़े मियां छोटे मियां देखूंगा और परसों मैदान देखूंगा, दोनों मूवीज के रिव्यू दूंगा। आप भी जाके दोनों फिल्म जाके हॉल में देखिए, आपको जो पसंद आएगी भाई कमेंट करके बताइए। बाकी मेरा रिव्यू जो आएगा उसको भी देखते रहना। बाकी कोई भी अपडेट या न्यूज आएगी तो मेरे चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल पर बने रहे। तक टाटा।